हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आइए, आज हम लोग बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का आज का अभी है, इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो लोकतंत्रीय कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चुनाव आयोग भारत में कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका संविधान में किन अनुच्छेदों में उल्लेख है, कैसे भारत में चुनाव पद्धति होती है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कैसे वर्क करता है भारत में चुनाव आयोग, उसकी क्या उपलब्धियां हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं, इन तमाम सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग की एक बहुत महती भूमिका होती है, निर्वाचन की भूमिका। जितने भी लोकतांत्रिक कंट्री हैं इनमें अगर हम देखें तो जनता के बाद अगर दूसरा कोई निकाय अगर सबसे महत्वपूर्ण तौर पे अगर हम देखें तो चुनाव का निष्पक्ष रूप से संपन्न होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर किसी लोकतांत्रिक कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन 125 अरब से भी ज़्यादा है, उस कंट्री में या किसी और छोटी कंट्री में जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है जहाँ पर, वहाँ पर अगर चुनाव निष्पक्ष रूप से ना हो तो आप क्या कल्पना करेंगे? लोकतंत्र की कोई कल्पना की जा सकती है क्या? वहाँ पर किस तरह के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है कि अगर वहाँ का चुनाव आयोग बेहतर ना हो, अपना कार्य बेहतर तरीके से ना करे, पूरी जनता अपने मतों का प्रयोग सही ढंग से ना कर पावे, करना कुछ और चाहे हो कुछ और जाए, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो आप सोच सकते हैं कि फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर तो लोकतंत्र तो राजतंत्र से भी खतरनाक और ख़राब हो गया। और ये सब बेहतर कैसे किया जाए, मतलब चुनाव आयोग कैसे अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे, उसी पे निर्भर है कि किसी राष्ट्र का बेहतर लोकतंत्र हो पाना। अगर किसी राष्ट्र में लोकतंत्र में चुनाव आयोग और सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस कंट्री का फिर कोई लोकतंत्र होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रह गई। निष्पक्ष होना सबसे बड़ी ज़रूरत है लोकतंत्र के लिए, तो चुनाव आयोग की यही भूमिका भारत जैसे विकासशील देश में महती भूमिका है। आप लोकतंत्रीय कंट्री अमेरिका में भी देखेंगे तो वहाँ पर चुनाव आयोग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे इन लोकतंत्रीय कंट्री के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देशों की, जिसमें हम लोग देख रहे हैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की महती भूमिका होती है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके मतों का सही जगह पर जहाँ पर उन्होंने उपयोग किया है वहाँ तक वो चुनाव के परिणाम आने तक वो सही स्थिति में बने रहें। तो चुनाव आयोग भारत में, मैंने अभी बात की आप लोगों से, भारत में जैसे और सारे लोकतांत्रिक कंट्री में चुनाव आयोग की भूमिका है, उसी तरह से भारत में भी चुनाव आयोग की महती भूमिका है। अन्यथा लोकतंत्र, मैंने बताया आपको कि कोई वजूद नहीं रह जाएगा, फिर वो राजतंत्र से भी ख़राब हो जाएगा। तो लोकतंत्र में चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना या कहिए फ्री होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इन्हीं बस बातों पे, इन्हीं पहलुओं पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने अभी संक्षेप में आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि इसकी उपयोगिता क्या है, चुनाव आयोग की इतनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है बच्चों कि अगर चुनाव आयोग जरा सा भी अपने कार्य में स्थिरता बरत दे या वो सही ढंग से क्रियान्वित ना कर पाए अपने कार्यों को, तो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो 125 अरब की कंट्री से 125 अरब से भी ज़्यादा की जो कंट्री का जो देश है भारत, यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी सीधी हो जाएंगी, मतलब जो आप करेंगे उसके अपोजिट स्थिति खड़ी हो जाएगी जो कि एक ठीक स्थिति नहीं होगी। इवन इस तरह की स्थितियां अगर चुनाव आयोग पर विश्वास ना हो इतनी बड़ी जनसंख्या का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा त्राहिमाम की स्थिति बन सकती है, जनता कितनी उग्र हो सकती है अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष ना हो।
आप सोच लीजिए कि एक चौथाई जनसंख्या भी अगर चुनाव आयोग की कार्यपद्धति से असंतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब कितने करोड़ जनसंख्या हो जाएगी जो कि मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ हो जाएगी, और उस लोकतंत्रीय कंट्री में क्या शासन संचालन कर पाना सरकार के बस की बात होगी? तो आप सोच सकते हैं, यानी कि जितने बड़ा कंट्री, जितनी ज़्यादा जनसंख्या, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर चुनाव के निष्पक्ष होने की पुख्ता गारंटी होनी चाहिए। तो उन्हीं कंट्रीज़ में से भारत भी है। भारत का जो चुनाव आयोग है, यह संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 का तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग की शक्तियां, उनके कार्यों के बारे में, संसद द्वारा कानून बनाने के संदर्भ में चुनाव आयोग के संदर्भ में क्या कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल जो है क्या कानून बना सकते हैं चुनाव निर्वाचन से संबंधित, इन सब पहलुओं पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, इस जो कन्फ्यूजन के पन्ने हैं इनको हम लोग खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग की कार्यपद्धति क्या है। तो देखिए, हमारा मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 324 से हमारा अनुच्छेद चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग एक तरह से कहिए, स्टार्ट होता है। और इसमें जब निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में कहा जाता है, एक एक स्टेप पे देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान में आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग एक तरह से कहिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है, यानी कि प्रावधान जो किए गए हैं वो निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ऐसे समझिए आप। अगर सामान्य साधारण भाषा में इसको समझना चाहते हैं, शब्दों में समझना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, जो आर्टिकल 324 कहता है, 324 कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि ये कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो अस्थायी, ये अस्थाई संस्था है, संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 में यह बताया गया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, इसका अर्थ से कह रहा है यह संवैधानिक निकाय है। तो पूछ सकता है निर्वाचन आयोग, देखिए यहीं से पॉइंट से क्वेश्चन आप लोगों के बेटा बनते जाएंगे, तो इसको थोड़ा बारीकी से आप देखते चलिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, एक संवैधानिक निकाय है, तो पूछ सकता है कैसा निकाय है, तो संविधान में इसका उल्लेख है, साथ ही संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई है, आप लोग देखते होंगे हमेशा जो 26 जनवरी की डेट आती है, जब आप लोग आगामी जो आपका आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी तो 15 अगस्त आपको आने जा रहा है, अभी जो लास्ट आपका बीता या फिर अगला जो आएगा 26 जनवरी, उसके पहले की जो तिथि होती है, अक्सर आप लोग जो पढ़े समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यानी आप जैसे सभी लोग, सबको तो पता होता है कि एक दिन पहले, यानी कि आप 26 जनवरी से एक दिन पहले का जो डेट होता है, रिपब्लिक डे से एक दिन के पहले का जो डेट होता है, वो आपका निर्वाचन आयोग की तिथि होती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को इस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये गठन कब हुआ, इसके बारे में आप लोग देखेंगे तो 25 जनवरी की जो इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्य कर्तव्य क्या है, निर्वाचन आयोग का मुख्य कर्तव्य यानी कि मुख्य कार्य कहिए क्या है इसका, तो इसका क्या है कार्य, जो कर्तव्य है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना। भाई देखिए, अभी हम लोगों ने इतने बातें कही इसके बारे में कि भाई जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, और लोकतंत्र में अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो लोकतंत्र फिर ख़त्म हो गया, आप समझ लीजिए। ऐसा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप इसी से आकलन कर रहे होंगे, उम्मीद है समझ रहे हो इस चीज़ को आप लोग, कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इलेक्शन कमीशन के हॉनेस्ट होने की, ईमानदार होने की, या अपने कार्यों को बिल्कुल शिथिलता से ना करते हुए तत्परता से कार्य करने की ज़रूरत होती है। आप लोग देखते हैं अक्सर डिबेट भी होते हैं, चर्चाएं भी चलती हैं, जब चुनाव के दौर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर के तमाम सारे विषय पर चर्चा होने लगती है, उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं, उनकी जाँच चलती है, संसद भवन तक लोग चले जाते हैं जिस पे कि ईवीएम की निष्पक्षता पे सवाल खड़े करने के लिए, तो फिर उस पे निर्णय आता है, चीज़ें होती हैं, सब आप लोग चर्चाएं टीवी पे देख रहे होंगे, ऐसे समय समय पे आते रहते हैं। लेकिन फिर भी भारत का निर्वाचन आयोग इतनी अपनी तत्परता से
टीएन सेशन जैसे ऐसे ऐसे शख्सियत भारत में हुए हैं निर्वाचन आयोग, जिनके लिए एक तरह से मिसाल के तौर पे देखा जाता है। इसी तरह से प्रत्येक निर्वाचन आयोग हमारा कितना स्वतंत्र और कितना निष्पक्ष होता है। हमारे यहाँ जब चुनाव पद्धति स्टार्ट होती है तो आप ऐसे समझ लीजिए चुनाव आयोग को इतनी शक्ति दी जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं वो उस समय, जैसे हमारे ज़िले में प्रत्येक डीएम और एसपी होते हैं और इस तरह इनका संचालन अगर हम देखें, डीएम और एसपी महोदय का जो संचालन होता है या सारे अधिकारियों का संचालन होता है शासन स्तर से होता है, लेकिन जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है उस दिन से सारे ऑफिसर्स, एक तरह से कहिए भारत सरकार के कर्मचारी अगर सेंट्रल में है और राज्य में है तो राज्य के जितने भी अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के जितने अधिकारी उसके दायरे में आते हैं वो उनके कर्मचारी ना होकर के चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं। यानी जिले का जो डीएम सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है या होते हैं वो सीधे शासन से गवर्न होते हैं, यानी मतलब राज्य सरकार से अगर हम देखें तो आदरणीय मुख्यमंत्री उनको कार्यालय उनको गवर्न करता है उनके कार्यों को, लेकिन जैसे चुनाव आयोग डिक्लेयर हो जाता है, तिथि आ जाती है, वो जिले के सबसे बड़े चीफ इलेक्शन कमीशन हो जाते हैं। यानी कि चुनाव जिले का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी उस समय डीएम ना हो करके मतलब मींस कार्य तो डीएम का करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं डीएम का, लेकिन उनका एक तरह से मुख्य जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं वो, और वो सारा संचालन फिर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार करने लगते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग बात को, कि उनका जो निर्देशन वो शासन नहीं कराता है उस समय, वो जो निर्वाचन आयोग कहेगा, जो चुनाव आयोग कहेगा वो उसका कार्य करेंगे। इवन आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग अगर मुख्यमंत्री पे कह रहा है या गृह मंत्री या जो भी रक्षा मंत्री हैं या जो भी मतलब मिनिस्टर हैं उन पर अगर चुनाव आयोग चाहता है या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इससे यह बात स्पष्ट हो रही होगी कि वो शासन के कर्मचारी न हो करके वो चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाए, यानी कि चुनाव आयोग चुनाव के दरमियान फुल शक्ति में होता है, फुल पावर में होता है, उसका किसी तरह से भारत सरकार का या चुनाव राज्य में हो रहा है तो राज्य स्तर के राज्य सरकार का किसी तरह का दबाव नहीं वो महसूस करता है, निष्पक्ष रूप से कार्यों को करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा न होता तो भारत जैसा जो आपका आगामी जो आ रहा है 74 वर्ष हमारे स्वतंत्रता के हो चुके हैं, तो इतने लंबे अंतराल के बाद में अगर हम देखें तो आपका ये आपको स्पष्ट स्थिति समझ में आएगी कि 74 वर्ष हो जाने, 74 वर्ष कंप्लीट हो गए, 75वां आप लोग देखेंगे जो आपका 15 अगस्त आ रहा है, वो 15 अगस्त आपका क्या 74 वर्ष पूरे होने पे 75वें स्वतंत्रता दिवस का आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं जो आगामी आ रहा है आपका 2021 में। तो आप लोग देखेंगे इतने लंबे समय तक लोकतंत्र बना हुआ है और बहुत हेल्दी लोकतंत्र बना हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चुनाव नामक एक संस्था है, चुनाव आयोग नामक एक जो संस्था है वो चुनाव का संचालन बहुत बेहतर तरीके से कर पाती है। अब सवाल खड़े होते हैं कुछ कुछ जगहों पर, आपने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के निष्कर्ष ऐसे आते हैं कि उसकी मतलब निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे थे, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस पे होती है, चुनाव आयोग पे होती है, क्योंकि जो फुल पावर में होते हैं चुनाव आयोग। ठीक है, आगे है, वह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और निरीक्षण करता है। यानी कि चुनाव आयोग जो क्या करता है कि जो हमारे संसद के लिए चुनाव होते हैं, यानी कि हमारा चाहे लोकसभा हो चाहे हमारी राज्यसभा हो या किसी राज्य के विधानमंडलों की बात करें, विधानसभा या विधान परिषद हो, साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें या उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव की बात करें, ये सारे जितने नाम लिए गए हैं आपको, ये सारे चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग क्या होता है? ये एक सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल निकाय होता है जो सभी के चुनाव को सही ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी होती है। इनकी मदद के लिए राज्यों में जब चुनाव होते तो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। ये सब आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसको देखते हैं कि मतलब ये कार्य क्या करता है। तो सभी संसद के सभी सदस्यों का और सभी विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचित करने की जो पद्धति है, निर्वाचन कराने का जो कार्य करता है वो चुनाव आयोग करता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय का के चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है,
और फिर आप उपराष्ट्रपति महोदय को देखेंगे तो उनके चुनाव को भी यही कराता है, निर्वाचन आयोग ही कराता है। तो मतलब मीन्स ये है कि ये जितने भी हमारे यहाँ पद हैं, जितने भी बड़े पद हैं, अब आप सोच लीजिए कि लोकसभा के सभी सदस्यों का, राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव कराएगा, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की होती है। तो यानी आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति आगे चल करके जो सरकार बनाता है उसमें से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में भी आप कह सकते हैं गृहमंत्री हों और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो भी मंत्री हैं, सारे मंत्री हों, यानी कि संसद सदस्य हो गए तो सारे लोग हो ही गए उसमें। सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चुनाव आयोग की होती है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, उनके चुनाव को जो कराता है वो क्या कर, निरीक्षण करने का कार्य, निर्देशन करने का कार्य और जो है अधीक्षण करने का, निर्देशन करने का और निरीक्षण करने का कार्य करता है, ये सब चुनाव आयोग करता है। अगर चुनाव आयोग सोचिए, अगर एक संस्था बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर रही होती तो जो भी सत्ता में, सरकार में रहता है जो भी राजनीतिक पार्टी, वो क्या करती, चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में रख करके अपने फेवर में सारी चीज़ें कराती। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा बड़े शक्तिशाली सरकारें रही हैं, जैसे इमरजेंसी के बाद में आप देखिए तो ऑलरेडी इंदिरा जी की सरकार जो थी, जनता नहीं संतुष्ट थी और जनता ने एक तरह से कहिए एक ऐसा मैसेज दिया कि जैसे कि वो सरकार उनको नहीं पसंद आए, कि मतलब कांग्रेस की सरकार हमें नहीं पसंद है इंदिरा जी के इमरजेंसी के कारण से, आदरणीय इंदिरा जी के इमरजेंसी के कारण से, तो आप देखिए अगले चुनाव में वो हार जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, यानी कि एक जो सशक्त महिला जिन्होंने एक तरह से कही 42वां संविधान संशोधन कर 1976 में इतना बड़ा परिवर्तन कर डाला कि एक तरह से कही कि एक मिनी संविधान संशोधन कर दिया, इतनी शक्ति रखने वाली महिला जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी, जनमानस में उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी थी उस दौर में, वो अगर कोई जनता के अगेंस्ट कोई वर्क जो जनता नहीं समझ पाई कि उन्होंने क्या काम किया, जनता को ये लगा कि ये गलत काम किया जा रहा है, इमरजेंसी अकारण ही घोषित की जा रही है या इमरजेंसी घोषित करने का जो मकसद या विजन जो था वो शायद जनता नहीं समझ पाई, सही था या नहीं था ये तो एक सरकारें अपना जाने कि कैसे क्या था, लेकिन जो भी था जनता को ये कम से कम नहीं पसंद आया। जनता को न पसंद आने के कारण से देखिए जो संविधान में इतना बड़ा परिवर्तन करने वाली सशक्त महिला, वो अगले चुनाव में जीत करके नहीं आ पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि निर्वाचन परिवर्तित होता रहता है। आप देखिए चुनाव आयोग के बारे में अगर देखते हैं, बंगाल में चुनाव हुए, सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया, प्रसार किया, हर राजनीतिक पार्टियों ने, इवन प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय गृहमंत्री महोदय, सभी लोग गए वहाँ पर, लेकिन नहीं, अगर जनता को वो चीज़ें नहीं पसंद आई तो निर्वाचन आयोग कहीं किसी के दबाव में कार्य न करते हुए निष्पक्ष रूप से जो फैसले आए उसका निर्णय लिया। तो यानी कि यहाँ पर चुनाव आयोग पूर्ण रूप से निष्पक्ष कार्य करता है, इसकी प्रामाणिकता आप लोगों को अब तक हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल कराता है। वहीं पर अगर हम देखें बच्चों, अनुच्छेद 324(2) में क्या उल्लेख किया गया है इसके बारे में देखते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार करता है तथा राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। क्या समझ में आया, आर्टिकल 324(2) में क्या कहा गया है, उसमें बताया गया है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी नियुक्ति आदरणीय राष्ट्रपति महोदय करेंगे, संसद की सहमति के आधार पर करेंगे, संसद जैसा कहेगी उस व्यक्ति को चुनाव आयोग राष्ट्रपति महोदय घोषित करेंगे, साथ ही साथ चुनाव आयोग की सहायता के लिए, है ना, चुनाव आयोग की सहायता के लिए। बात ये जान लीजिए कि भारत में जब चुनाव आयोग बना शुरुआती दौर में 1952 के चुनाव उन्होंने कराए चुनाव आयोग ने, तो 52 के चुनाव के कराने के समय से ले करके 1989 तक की जो स्थिति थी उस समय एक निर्वाचन आयुक्त होता था, भारत सरकार के एक निर्वाचन आयुक्त होते थे, ठीक है,
केवल एक निर्वाचन आयुक्त। आज के समय में आप देखते हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, साथ ही आप देखते होंगे दो उप चुनाव आयुक्त के पद आपको दिखते हैं। अब अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं बच्चों, उसके बारे में भी जानेंगे कि ऐसा क्या है, कैसे ये पद हो गए, क्या उस समय थे कि नहीं। तो भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद 324(2) में ये बात उल्लेखित की गई थी कि भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है, और निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में कोई कानून की नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति महोदय करेगा, संसद के नियमानुसार करेगा, संसद जैसा चाहेगी, है ना। और साथ ही साथ ये बताया गया कि उसकी सहायता के लिए, चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्या किया जा सकता है कि उनके एक तरह से के प्रादेशिक, आज शब्द यूज हो रहा है यहाँ पर, आप सबसे पहले शब्द देखेंगे उप चुनाव आयुक्त का, कहिए एक तरह से कह लीजिए कि उप चुनाव आयुक्त के पद को सृजित करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो वही बात है, वही जो उपचुनाव आयुक्त हैं वही प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाने जा रहे हैं। यहाँ पर शब्द है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, ये 1989 के बाद में फिर बदलेंगे, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, अभी यहीं तक देखिए, इसके आगे की बात चर्चा करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं थोड़ा सा और। तो अनुच्छेद हम लोगों ने 24 देख लिया, अब देखते हैं अनुच्छेद 325 और 26 में किन बातों का उल्लेख किया गया है, 27 में किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 326 के बारे में बच्चों। इसमें क्या कहा गया है, देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और जो किसी विधि के अधीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 18 वर्ष से कम ना हो। तो देखिए एक बात ये जान लीजिए कि किसी की आयु 18 वर्ष से कम ना हो, इसका क्या मतलब है। भारत जब हमारा जो मूल संविधान है उसमें देखिए बात उल्लेखित की गई है कि किसी व्यक्ति की जो आयु है, ठीक है, वो आयु जो आपका जो संविधान मूल संविधान है उसमें आयु दी गई है, वयस्क मताधिकार की बात की गई, वहाँ आयु 21 वर्ष दी गई है कि जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो वही मतदान करने का अधिकारी होगा। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 89 में जिसमें आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष की आयु कर देने के कारण से अभी जो यहाँ पर आपको जो शब्द दिख रहा है 18 वर्ष की आयु, ये 89 से है। 89 के पहले अगर आप जाएंगे चुनाव के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर जो चुनाव की जो स्थिति थी वो क्या थी, 21 वर्ष आयु थी कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, या मतदान करने वाले की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये उल्लेख पहले से था, पहले बात थी। अभी क्या है, या इसी कारण से आप देखिएगा कि पहले देखिए कुछ दो बातें आप लोग, आज आप लोग देखते हैं कि मतदान करने की आयु 18 वर्ष है और कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए 21 वर्ष बोलते हैं, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम चुनाव लड़ नहीं सकता, मतदान आप 18 पे कर सकते हैं, चुनाव 21 के बाद करेंगे, ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि पहले जो हमारा मूल संविधान था वहाँ पर 21 वर्ष ही आयु थी, फिर उसको घटा करके मतदाताओं की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया, ना कि लड़ने वाले लोगों की आयु जो निर्वाचित हो रहे हैं, निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, उनकी आयु 21 वर्ष ही रखी गई, क्लियर, ठीक है। आइए देखते हैं, तो हम लोग क्या है, 18 वर्ष आयु निर्धारित कर दी गई है, से कम नहीं होनी चाहिए और किसी विधि के अधीन यानी किसी कानून के अधीन अनिवासी ना हो, चित्तवृत्त ना वृत्त ना हो, विकृत ना हो यानी कि पागल एक तरह से कहिए ना हो गए हो, अनिवासी ना हो यानी कि मतलब ऐसा ना हो कि भारत की नागरिकता छोड़ दी हो कहीं और जाकर के वो रह रहे हों, ऐसा ना हो, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, ठीक है, यानी भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य ना हो, मतलब किसी तरह का उनके पास इस भ्रष्ट आचरण का दोषी ना उनको मिला हो, दोष ना मिला हो, अपराधी ना रहे हो, ठीक है, ऐसे ना हो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ना हो, तो ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है, यानी कि कोई 18 साल से अधिक, अनुच्छेद जो 326 कहता है, अब निष्कर्ष एक लाइन में हम लोग अगर इस बात करें तो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें वो नाम दर्ज कराने जा रहा है मतदाता सूची में उस क्षेत्र का निवासी हो तो वो मतदान करा सकता है, मतलब अपना नाम उसमें, मतदान नहीं कहिए उसे, कहिए कि अपना नाम उसमें रजिस्टर करा सकता है, बशर्ते वह अनिवासी ना हो, चित्त विकृत वृत्त ना हो, अपराध या भ्रष्टाचार के लिए आचरण के लिए उसको दंडित ना किया गया हो, ये चीज़ें ना हो, तो कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है और उस निर्वाचन क्षेत्र का वो मूल निवासी है तो मतदाता सूची में अपने नाम को मेंशन करवा सकता है, जुड़वा सकता है, यह आर्टिकल 326 कह रहा है,
उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अब आप देखिए बड़ी दिलचस्प बात लिख दी गई है, मतदान, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार नहीं, यानी कि कानूनी अधिकार है आपका। ठीक है, यह संवैधानिक अधिकार एक रूप में अगर कहिए तो संविधान में उल्लेख इस चीज़ का, मतलब संविधान के मूल संविधान में इसके बारे में नहीं था। जो एक तरह से कहिए कि मैंने बताया ना कि 21 साल की आयु वाला अभी कहानी थी, उसके बाद की स्थिति नहीं। तो भारत में आप देखिएगा पूछेगा क्वेश्चन में कि कैसा अधिकार है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप बताएंगे उसको एक कानूनी अधिकार है, यानी वैधानिक अधिकार है हमारा, विधिक अधिकार है। ठीक है, एक विधिक अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है, एक तरह से कहिए कानूनी है, ना कि एक संवैधानिक, यानी कि मूल फंडामेंटल राइट नहीं है ये। ठीक है, ना तो ये फंडामेंटल राइट है, ना ये संवैधानिक अधिकार, एक तरह से कहिए संविधान या मूल अधिकार नहीं है। इसी इसका उल्लेख संविधान में नहीं होने के कारण ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है क्या कि निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग, मतलब निर्वाचन, कोई व्यक्ति निर्वाचित होगा इसके संबंध में कहाँ पे उल्लेख किया गया है, तो वही बात बताई जा रही है कि भाग 15 में। आप जानते हैं अभी मैंने जिक्र किया शुरुआती दौर में, मैंने आपको बताया भाग 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 क तक किसके बारे में है, निर्वाचन आयोग के बारे में है। ठीक है, वही बात है बेटा, निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 क में किया गया है, किंतु भाग 15 में लोकसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, किसके बारे में, लोकसभा राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान में विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया, किस में, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया, बहुत डिटेल नहीं किया गया ये कह रहा है, अपितु केवल क्या बताया गया, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में क्या कहा गया है भारतीय संविधान के भाग 15 में, क्या कहा गया है, केवल निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग और उसके अधिकार शक्तियां कृतियों के बारे में मोटे मोटे तौर पर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अनुच्छेद सॉरी जो भाग 15 है जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में है, इसमें बहुत स्पष्ट बहुत डिटेल नहीं बता, एक तरह से कि बहुत डिटेल नहीं किया गया है कि लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कि कैसे कैसे क्या व्यवस्था रहेगी, बहुत डिटेल नहीं किया गया, इसको संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है कि राज्य विधानमंडल और लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में बहुत डिटेल बात नहीं बताई गई है, यही बात उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 327 के संदर्भ में देखते हैं बच्चों क्या कहता है। अनुच्छेद 327 कहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक यही बताएगा 327 जो है जो संसद को शक्ति देता है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 328 जो होगा, ठीक है, 327 आपको संसद को शक्ति देता है कि वो संसद के लिए जो है संसद के चुनाव के लिए और विधानमंडलों के चुनाव के लिए, मतलब दोनों को शक्ति देता है, संसद को और विधानमंडल को दोनों को शक्ति देता है कि वो उसके लिए चुनाव आयोग के संदर्भ में कानून बना सके, विधि बना सके, उसके संदर्भ में उसको शक्ति दी जाती है, संसद को दी जाती है। और अनुच्छेद 328 में कहा गया है वो राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी जाती है कानून बनाने के लिए, वही बात है। देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद, क्या कहता है, संसद और राज्य विधानमंडलों को निर्वाचन के से संबंध से संबंधित समस्त प्रावधानों की को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान समझ में आ गया ना, किसको, संसद को, राज्य विधानमंडलों को निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति दी गई है, यानी कि संसद जो है समस्त निर्वाचन संबंधी कानूनों को बना सकती है जो भी करने के लिए है। अगला है बेटा 338 में, वही बात है फिर, राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकती है जिस पर संसद उपबंध
नहीं करती है। कुल मिला के बात एक तरह से अगर हम देखें तो कह रहा है 338 कि राज्य विधानमंडल भी संसद के लिए कानून बना सकता, सॉरी राज्य विधानमंडल भी चुनाव के लिए चुनाव पे कानून बना सकता है, निर्वाचन आयोग पे कानून बना सकता है, लेकिन तब बना सकता है कि जब संसद ने कोई कानून राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित न बनाया हो या कोई कमी हो। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो 327 जो कहता है वो संसद दोनों को शक्ति देता है, एक तरह से कहिए या कहिए संसद को शक्ति देता है कि राज मतलब जो है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कानून बनाए, और वहीं दूसरी तरफ 328 कहता है वो कहता है कि जो विधानमंडल है वो क्या है, अगर कोई संसद कानून नहीं बनाई है निर्वाचन से संबंधित तो कानून बना सकता है राज्य विधानमंडल। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनके पदावधि वगैरह के संदर्भ में कैसे कैसे हैं और क्या करते हैं और कब कैसे क्या हुआ। तो पदावधि और इनको हटाने के संबंध में देखते हैं, 1972 में 1972 से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था। किसके बारे में नहीं था, 1972 से पूर्व यानी पहले की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिसे कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, शब्द रहेगा मुख्य, इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल, उनका जो कार्यकाल ना टाइम पीरियड है और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कुछ विशेष उल्लेख नहीं था। पहले 8-8 वर्ष तक रहते थे, पहले निर्वाचन आयोग के जो कार्यकाल हुआ करते थे इसके बारे में विशेष उपबंधित नहीं किया गया था 1972 तक, 72 में उपबंधित किया गया, पहले 8 वर्ष तक सेवा देते थे। फिर अभी जो रिसेंटली आप लोग देखते हैं वो सेवा क्या होती है कि उनकी जो सेवा काल हो वो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, दो में से एक स्थिति बनती है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। 1972 से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था। कब तक नहीं था, 72 तक नहीं था, इसलिए पहले दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक इस पद पर आरूढ़ थे। ठीक है, यानी पहले के दो निर्वाचन आयुक्त जो हुए कार्यकाल में वरिताक्रम के बारे में कह रहा है कि वो 8-8 साल तक अपने पद पर बने रहे। ठीक है, 52 में जब चुनाव हुआ वहां से लेकर के अगर हम देखेंगे तो 8 साल तक की स्थिति में आप रख लीजिए, पहले निर्वाचन आयुक्त जो रहे 8 साल तक अपने सेवा में रहे। ठीक, फिर उसके बाद के जो कार्यकाल रहे वो 8 वर्ष तक रहे। ठीक, यानी कि निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 8 वर्षों तक, दो लगातार जो निर्वाचन आयुक्त रहे वो 8-8 वर्षों तक रहे। अभी आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि जो है उनका सेवा काल मतलब 6 साल या 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की सेवा काल को पूर्ण करते हैं। ठीक, तो पहले क्या था, 8 साल तक रहते थे, कौन, लगातार दो निर्वाचन आयुक्त जो रहे वो 8 साल तक सेवा दिए। ठीक, तो इसमें समझने की बात है, 8 वर्ष तक अपनी सेवा दी थी, इस पद पर आरूढ़ रहे, परंतु 1972 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष तक की आयु तक तथा 6 वर्ष जो पहले हो जाए तब तक रहेंगे। यानी कि आप बाकी सभी लोगों के बारे में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा आज तक इलेक्शन कमीशन से पढ़ रहे हैं आप लोग, इसके पहले आप लोगों ने जितने भी संवैधानिक पदों में, चाहे वो सूचना का अधिकार से संबंधित हो, चाहे वो आपको लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित हो, या आपका उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इन सब के बारे में देखा, जो सेवा काल उनका कार्यकाल था उसके बारे में देखा, जो उनमें से कंडीशन लगी रहती थी कि इतने वर्ष या इतने वर्ष। ठीक है, यानी कि किसी की उम्र होती थी कि आप 5 साल सेवा देंगे या 75 वर्ष उम्र हो, इस तरह की जो व्यवस्था थी उसी तरह से निर्वाचन आयोग में भी व्यवस्था की गई है। उसमें कहा गया है कि या तो आप 6 वर्ष तक जब अपने नियुक्त कर दिए गए हैं तो 6 वर्ष तक सेवा दीजिए या 65 वर्ष तक आयु, जो दोनों में से पहले पड़ जाएगा वहीं रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या था, 8 वर्ष तक था, यही बात थी, रह सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि जैसे जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और साथ ही साथ उनके साथ जो दूसरे निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है, जब भी पद पे होंगे 6 वर्ष या उनकी आयु जो 62 वर्ष रखी जाती है। इसमें थोड़ा अंतर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो दोनों में से पहले हो जाए तब रिटायर्ड हो जाएंगे वो, लेकिन अगर उप चुनाव आयुक्त यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त के सहायक दो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी आयु के बारे में बताया गया है कि
या तो छवा सेवा हो जाए पूरी या 62 वर्ष उनकी आयु हो जाए, दोनों में से एक हो जाने पर उनकी सेवा समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी, यानी सेवा समाप्त हो जाएगी, यही बात कह रहे हैं इसमें। तो 62 वर्ष की आयु के पदावकाश कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, यानी कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता की स्थिति में ही चुनाव आयोग को उनके पद से हटाया जा सकता है। और ये हटाने के लिए जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद में लाया जाता है, उनके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है एक तरह से कहिए, तो उस स्थिति में संसद की सहमति के बाद ही ऐसा हो पाता है। ऐसे नहीं कि सरकारों को पसंद ना आए और हटा दें, यानी कि इसको जटिल इसी नाते बनाया गया है कि आसानी से इस पद को से किसी भी निर्वाचन आयोग को दबाव में नहीं रखा जा सकता है कि सरकार जब चाहेगी तो हटा देगी, जब तक सिद्ध कदाचार नहीं हो जाए कि स्थिति नहीं बन जाएगी, जब तक उनको हटाने के लिए या आप उनकी अपंगता की स्थिति हो जाए, असमर्थता की स्थिति हो जाए कार्य करने में, तभी हटाया जा सकता है। तो ये तो थोड़ी सी बातें थी, थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, फिर और चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में आइए थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में चुनाव आचार संहिता वगैरह उन सब चारों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले इसमें देखते हैं आयोग के कार्यों शक्तियों के बारे में देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। सभी के चुनावों में निर्वाचन आयोग, जितने भी हमारे यहाँ राजनीतिक पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, जो और वो चुनाव पद प्रक्रिया के द्वारा वाले पद हैं, वो सारे पदों को चुनाव को कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है, संसद के सभी सदस्यों की, विधानमंडल के सभी सदस्यों की, राष्ट्रपति महोदय की, उपराष्ट्रपति महोदय, सबके चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो कार्य इनके हो गए, एक तरह से कहिए इनके कराने के कार्य हो गए। चुनाव की स्वतंत्रता निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व भी चुनाव आयोग पे ही होता है, जो कि हम लोगों ने पहले से चर्चा कर रखी है आप लोगों से, ठीक है। अब इनके कुछ कार्यों के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं। पहले क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। अब देखिए परिसीमन क्या चीज़ होती है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए परिसीमन के बारे में बहुत सारे तथ्य भी अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि परिसीमन की जो स्थिति होती है, प्रत्येक 10 साल के बाद में जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब जनगणना खत्म हो जाती है, जनगणना के आधार रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है, मतलब प्रत्येक वर्ष ना कहिए, प्रत्येक एक तरह जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है। परिसीमन आयोग अपनी संस्तुति देता है, उस आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे हम लोग, डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी जानिए कि परिसीमन यानी कि क्षेत्रों का स्थानांतरण। अभी देख रहे हैं 1972 के जो जनगणना के आधार पर अभी भी हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में देखेंगे तो उतने ही लोकसभा 543 सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर के आते हैं। दो एंग्लो इंडियन नियुक्त किए, एक तरह से कहिए नियुक्त किए जाते हैं, दो पद ऐसे हैं। और राज्यों की विधानसभाओं में जो सदस्यों की जो संख्या है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 1972 की जनगणना के आधार पर ही चल रहे हैं। आपने देखा कि 2002 में भी जो जनगणना 2000 में के बाद में आई है आपकी, उसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें भी यही बातें बताई गई हैं कि मतलब परिसीमन में संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, परिसीमन किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पे विशद रूप से चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा उसको रखिए अपने दिमाग में। तो परिसीमन करने यानी कि एक तरह से कहिए सीमा का निर्धारण कर देना, सीटें नहीं बढ़ा सकते, 2026 तक सीटें नहीं बढ़ सकती हैं, 2026 के बाद में ही जो चुनाव, उसके बाद में जो जनगणना होगी उसके बाद में ही सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। अभी जो सीटें उसी सीटों पे वो चाहें तो परिसीमन करा करके सीटों का निर्धारण 554 सीटें जो आपकी 543 जो सीटें हैं उन 543 सीटों का मतलब जो जगहें कवर कर रही हैं उनको स्थानांतरित कर सकते हैं, इस लोकसभा में उस लोकसभा को, उस लोकसभा में उस लोकसभा को, मतलब सीटें उनकी बाउंड्री वाल बदल सकते हैं। ये करने का कार्य है परिसीमन करने का कार्य, अभी सीटें बढ़ाने का कार्य नहीं है, ठीक है। मतदाता सूची तैयार करना और कराना, तैयार कराना यानी मतदाताओं की जो सूची तैयार कराने का, सरकारें काम नहीं कराती हैं, ये सब कौन करा सकता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यानी कि कोई राजनीतिक पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसका मूल्यांकन कौन करता है,
चुनाव आयोग करता है, ना कि कोई गवर्नमेंट करती है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी उसके जो मानक हैं उन मानकों को पूरा करने के उपरांत कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी है उस राजनीतिक पार्टी का दर्जा, या कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है उसका दर्जा देने का जो कार्य करता है वो चुनाव आयोग ही करता है। इवन ऐसी स्थिति में कि जब किसी राजनीतिक पार्टी में आपसी फूट हो जाए, वो बंटवारे की स्थिति में आ जाए, तो उस समय किसको दिया जाए, मतलब पार्टी का सिंबल किसके हाथों में हो, किस मतलब गुट के हाथ में हो, इसका भी निर्णय वो चुनाव आयोग ही करता है, ना कि कोई और केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती, कोई नहीं करता है, चुनाव आयोग ही करता है। अगला है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। वही बात अभी मैंने बताई, राजनीतिक दलों को, कोई राजनीतिक दल अपना चुनाव चिन्ह, चाहे उस आधार पर भी समझ लीजिए, दूसरे आधार पर ये भी समझ सकते हैं आप इसको, कि किसी को कोई राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी हो गई है तो उसे कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए, है ना। तो वो निर्णय जो लेने का काम होता है वो चुनाव आयोग ही करता है। हालांकि लोग अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को बताते हैं कि हमें ये राजनीतिक ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो मान लेता है चुनाव आयोग, उस आधार पर उसको निर्णय दे देता है कि आप इस राजनीतिक इस सिंबल को अपने राजनीतिक पार्टी में लगा सकते हैं। और फिर अगला है क्या, निर्वाचन का संचालन करना। अब भाई निर्वाचन का संचालन कौन करेगा, चुनाव आयोग ही करेगा, पूरी तरह संचालित करता है, पूरी जिम्मेदारी तब से लेकर के जब से चुनाव शुरू होता है और जब तक वो चुनाव उनके निष्कर्ष नहीं आ जाते हैं तब तक की जिम्मेदारी पूरी तरह से चुनाव आयोग की होती है, कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्ध न्यायिक कार्यकर्ता यानी कि जो भी है, यानी कि एक तरह से कहिए कि जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं उनको जो भी चीज़ें होती हैं उनको पनिशमेंट करने का काम, यानी अर्ध न्यायिक कार्य भी निर्णय लेता रहता है, उसमें न्यायपालिका के तौर पर कार्य करने लगता है। जैसे इसका बिहेवियर दिखेगा दंडात्मक, अगर कोई अगर चुनाव आयोग मतलब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, इसका निर्णय कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, ना कि कोई ना ही कोई न्यायपालिका करेगी, ठीक है, इसका चुनाव आयोग भी करता है। तो अर्ध न्यायिक कार्य के रूप में भी करता है, और चुनाव रद्द करना आदि ये सब कार्य जो हैं वही करता है, यानी कि कौन से चुनाव रद्द किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे ये कौन निर्णय लेता है, चुनाव आयोग ही निर्णय लेता है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो चुनाव आयोग के संदर्भ में थी। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे थोड़ा सा, और मेंस भी लिखने की स्थिति में आप लोगों की बेहतर बनी होगी, और एक चुनाव आयोग पे एक कॉन्सेप्ट आपका ठीक बेहतर तरीके से आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको ठीक लगी होगी। आगे हम लोग देखेंगे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कब होती है, प्रत्यावर्तन चुनाव कैसे होता है, क्या है, उसके बारे में तमाम सारे विषयों पे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।